देखिए कभी भी ना इस तरह से पानी रुकता है वॉश में। पोछा लगाने के बाद पोछा कभी भी नहीं धोना चाहिए इसके अंदर, कोई भी कपड़ा मिट्टी वाला नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर जमती है। कोई गुटखा पान खा करके नहीं थूके, क्योंकि वो इसके अंदर जम जाता है, तभी इसके अंदर ये पानी रुकता है। तो कभी भी इसको ना खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। हर पानी बहुत ही तेज़ गति से रोके इसके अंदर सप्लाई हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, लगभग 1 या 1.5 लीटर पानी में आपको कास्टिक सोडा को अच्छे से पानी में उबाल करके इसके अंदर डालना है। चलिए मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से पानी जाम हो जाता है। देखिए इस तरह से ना एक लीटर पानी को अच्छे से उबालना है। और ये देखिए इसमें इस डब्बे में मैंने देखिए कास्टिक सोडा मैंने पीस करके इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, लगभग 2-2.5 चम्मच है इसके अंदर। अब इस तरह से इसके अंदर पानी डालेंगे। चलिए अब इसको खोलते हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर पानी को डाल देंगे कास्टिक सोडा वाला। अब देखिए ये कितनी भी खतरनाक तरीके से चाहे ये रुकी हुई हो, ये आसानी से खुल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और रामबाण घरेलू उपाय है, किसी भी वाश बेसन या सिंक रुक जाए, जाम हो जाए नाली, तो उसको आसानी से खोल सकते हैं। गर्म पानी अच्छे से उबालना है 1 लीटर या 1.5 लीटर, उसमें लगभग 2-3 चम्मच कास्टिक सोडा डाल देना है, ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर डाल देंगे। जितनी भी गंदगी है तुरंत काटता हुआ ये चला जाएगा। स्टील पर जब कास्टिक सोडा गर्म पानी पड़ेगा ना, तो अगर इस पर भी जंग लगा हुआ है ना गंदगी, इसको भी ये तुरंत क्लीन कर देगा। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है किसी भी नाली को खोलने का, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने वाश बेसन को या सिंक को खोल सकते हैं। देखिए इस तरह से पानी देखिए तुरंत सप्लाई होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।